लैपटॉप बाय क्लिकिंग द राइट बटन ऑफ द माउस। हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाना है राइट क्लिक माउस का करके, तो राइट क्लिक करेंगे हम लोग माउस का, उस पर देखिए न्यू आ रहा है, यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करेंगे और देखिए आपके यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया, उसको सबमिट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो लाइब्रेरी इन द फाइल एक्सप्लोरर यूजिंग व्यू टैब और नेविगेशन पेन। चलिए हम लोग फाइल एक्सप्लोरर सबसे पहले खोल लें, तो हम लोग फाइल एक्सप्लोरर सबसे पहले हम लोग फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, तो फाइल एक्सप्लोरर हम लोग सर्च बटन में जा करके लिख देंगे फाइल एक्सप्लोरर। ये देखिए हमारा खुल गया फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद हमें जाना है व्यू टैब में, देखिए व्यू टैब में हम लोग चले गए, उसको नेविगेशन पेन में हम लोग चले गए, ठीक है, और लाइब्रेरी में हमको क्लिक कर देना है। व्यू टैब में जा करके नेविगेशन पेन में जाएंगे, वहां से लाइब्रेरी शो लाइब्रेरी में क्लिक कर देंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी इन लाइब्रेरीज फोल्डर यूजिंग होम न्यू आइटम लाइब्रेरी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल एक्सप्लोरर खोलेंगे, फाइल एक्सप्लोरर खोल गया, उसमें हम लोग को एक न्यू लाइब्रेरी क्रिएट करना है होम में जाकर के। होम में जाएंगे, न्यू आइटम देखिए यहाँ पे अभी हाईलाइटेड नहीं है, तो हम लोग को एक किसी एक फाइल को सेलेक्ट करना होगा, तो एक फाइल को हम लोग सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से किसी भी फाइल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, इसको देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट कर लिए हम लोग, फिर हम लोग होम में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे न्यू आइटम आपका शो कर रहा है, क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, फोल्डर में, और देखिए यहाँ पे आपका न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम लोग सबमिट बटन पे दबा देंगे, फिर से एक बार हम लोग ट्राई करेंगे इसको, क्रिएट न्यू लाइब्रेरी इन लाइब्रेरीज फोल्डर यूजिंग होम न्यू टैब लाइब्रेरी। तो हम लोग फाइल एक्सप्लोरर सबसे पहले खोलेंगे, उसके बाद हम लोग होम में जाएंगे, न्यू टैब हमारा शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग को एक फोल्डर ले लेंगे। अब फिर हम लोग सेलेक्ट कर लिया हमने किसी एक फाइल को, उसके बाद होम में जाएंगे, न्यू टैब क्लिक करेंगे, उसके बाद हम लोग फोल्डर में जाएंगे, और देखिए यहाँ पे हमारा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब हम लोग सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम, नाउ अगेन रीनेम इट एज टेस्ट बाय क्लिकिंग ऑन राइट बटन ऑफ द माउस। सबसे पहले हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, चलिए हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू दिख रहा होगा, फोल्डर पर क्रिएट करेंगे, नया फोल्डर हमारा क्रिएट हो गया और उसको नाम देना है एक, तो नाम हम लोग दे देते हैं, चलिए हमने एक नाम दे दिया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको रीनेम करना है टेस्ट से, तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और टेस्ट नाम दे देंगे हम लोग टेस्ट, क्लिक कर देंगे, हम लोग सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड चेंज इट्स आइकन बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करना है न्यू फोल्डर, तो राइट क्लिक जाएंगे, न्यू जाएंगे, फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब इसके आइकॉन को चेंज करना है, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इसका हमें शॉर्टकट तैयार करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और देखिए इसी में आपको क्रिएट शॉर्टकट है, उस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्टकट हमारा क्रिएट हो जाएगा न्यू फोल्डर का। आप सबमिट कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम, नाउ क्रिएट इट्स शॉर्टकट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, तो सबसे पहले हम लोग राइट क्लिक करेंगे,
न्यू पे जाएंगे, फोल्डर पे क्रिएट करेंगे और इसको हम लोग नेम देंगे। तो नेम चलिए हम लोग दे देते हैं, नेम नेम हमने दे दिया विशाल। अब इसका हमें राइट क्लिक करके शॉर्टकट करना है, तो क्रिएट शॉर्टकट कर देंगे। देखिए यहाँ पे विशाल का शॉर्टकट आ गया। अब इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपन फोटोज एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन। तो स्टार्ट बटन देखिए ये हमारा, इसको क्लिक करेंगे और फोटोज एप्लीकेशन पे जाएंगे। फोटोज पी से शुरू होता है तो हम लोग पी पे जाएंगे। देखिए LMNO पी, ये रहा फोटोज, क्लिक कर देंगे हम लोग। तो ये देखिए फोटोज एप्लीकेशन आपको खुल रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम। क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन योर डेस्कटॉप एंड गिव इट योर नेम। नाउ क्रिएट इट शॉर्टकट बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है तो न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमने ले लिया। उसके बाद नाउ क्रिएट इट शॉर्टकट, अब इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है तो राइट क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट आ रहा है। तो ये हमारा शॉर्टकट जनरेट हो गया, अब उसको सबमिट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओपन कोर्टाना बाय क्लिकिंग ऑन स्टार्ट बटन। तो देखिए हम लोग स्टार्ट बटन हमारा ये, इस पे जाएंगे। अब यहाँ से कोर्टाना पे जाना है, देखिए सी से स्टार्ट होता है, यहाँ पे कोर्टाना है, इसको क्लिक कर देंगे एक बार। तो कोर्टाना आपका यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया, अब इसको हम लोग सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओपन कैलकुलेटर एप्लीकेशन ऑन योर कंप्यूटर यूजिंग विंडोज स्टार्ट बटन। तो विंडोज स्टार्ट बटन हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए ये है आपका कॉर्नर में और उसमें कैलकुलेटर ढूंढना है। कैलकुलेटर सी से शुरू होता है, ये देखिए सी से कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे, कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया, अब हम लोग उसको सबमिट कर देंगे। देखिए इस तरीके से आज का आपका टेक चैलेंज डू इट योरसेल्फ हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे टेक चैलेंज की तरफ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी